बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इट इज़ इंग्लिश कंपलसरी सेकेंड ईयर। इन योर सिलेबस देयर आर टू बुक्स। द बुक टू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन द मॉडर्न एसेज एंड नंबर टू पार्ट इज़ ऑफ हीरोज एंड अदर बुक इज़ ऑफ ए नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। इट इज़ ए बायोग्राफिकल नावल that describes the life of a school teacher, Mr. Chipping, who is well known with the name of Mr. Chips. You will also read the significance of the title in the next chapters. This novel is in fact in the form of a memory, as Mr. Chips is a retired school teacher living at Mrs. Wickett's house across the Brookfield School. He remembers his past from his joining till retirement, and all these events of his life constitute the story of the novel. This novel is divided into 18 chapters. Today we are going to read the third chapter, His Stay at Mrs. Wickett's House. So let us move to the chapter. Open your books at chapter 3, Stay at Mrs. Wickett's House. It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wickett let to him. ये एक छोटा सा लेकिन आरामदेह रोशन कमरा था जो मिसेस विकेट्स ने उन्हें किराए पर दिया था। मिस्टर चिप्स उनके घर रहते थे। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस। अब ये घर की डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, छोटा, स्मॉल, कंफर्टेबल और सनी। जो घर था वो था अगली, प्रिटेंशियस, बट इट वाज़ कन्वीनियंट। तो घर जो था वो अगली और प्रिटेंशियस मीन ऐसे ही था, शोई, लेकिन असल मकसद था कि वहाँ आराम हो और उन्हें वहाँ आराम मिलता था। दैट वाज़ द मेन थिंग, यही असल बात थी। फॉर ही लाइक्ड इफ़ द वेदर वर माइल्ड एनफ टू स्ट्रॉल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स। उन्हें ये पसंद था कि जब मौसम अच्छा हो तो बाहर टहलें, खेलों के मैदानों में जाएं और बच्चों को खेलते हुए देखें। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़ व्हेन दे टच देयर कैप्स टू हिम। वो उनसे बच्चों के साथ मुस्कुराहटों का तबादला करते, कुछ उनसे बातें करते, और जब लड़के उन्हें सलाम करते अपनी टोपियां मिलाकर, तो ये भी उनके लिए खुशी का बायस होता। ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज़ एंड हैविंग देम टू टी विद हीम ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म। अब ये इंट्रोडक्शन विद द न्यू बॉयज़ उनका एक ख़ास तरीका था नए स्कूल में आने वाले तलबा के साथ तारुफ हासिल करने का, कि वो उन्हें चाय पर बुलाते और उन सब से गप शप लगाते चाय के दौरान। ही ऑलवेज़ ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग फ्राम रेडाबीज इन द विलेज। और हमेशा उनका एक ख़ास तरीका रहा था कि रेडावेज गांव में, जो ब्रुकफील्ड के गांव में एक बेकरी थी, वहां से वो पिंक आइसिंग वाला, अखरोट वाला केक मंगवाते। एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म देयर वर क्रम्पेट्स टू। और जब विंटर की मौसम सरमा की टर्म होती तो वो मज़ीद उसमें सॉफ्ट केक क्रम्पेट्स को भी ऐड कर लेते। अ लिटल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर। एक छोटा सा उनका ढेर बनाकर रख देते आग के सामने। सोक्ड इन बटर सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटल शेलो पूल। वो मक्खन में डूबे हुए होते और निचला जो था वो एक थोड़े से छोटे से तालाब जो मक्खन का बना हुआ होता उसमें डूबा हुआ होता। हिज गेस्ट फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी। उसके जो मेहमान उनके होते वो बड़ा इंजॉय करते उन्हें देखते जब चाय बनाते हुए, वो बड़ी एहतियात से चाय बनाते थे। मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल फ्रॉम डिफरेंट कैडीज़। बड़े आराम से तमाम डब्बों में से, कैडीज़ मीन छोटे छोटे बॉक्सेस जो होते हैं, उनमें से एहतियात से वो चम्मच भर भर के चीज़ों का निकालते। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड। और साथ साथ उनसे पूछते कि वो लड़के जो नए अब स्कूल में दाखिल हुए हैं वो कहाँ रहते हैं, एंड इफ़ दे हैड फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड। और क्या ब्रुकफील्ड से कोई उनके पुराने ताल्लुकात हैं, यानी उनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ से पढ़े हैं या कोई उनको पहले से वाकफियत है ब्रुकफील्ड से। ही केप्ट वॉच टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी। और साथ ये भी ख्याल रखते कि उनकी प्लेटें कभी खाली ना हो और वो मज़ीद चीज़ें लें। ही केप्ट वॉच
at their plates were never empty, and punctually at 5 after the session he had lasted an hour, he would glance at the clock and say, "Well, Umph, it has been very delightful of meeting you like this. I am sorry you can't stay." और फिर वो एक घंटे की मीटिंग के बाद, उनके साथ दौड़ चलने के बाद, वो क्लॉक पर नज़र डालते, ग्लैंस मीन टू लुक एट, और फिर वो कहते कि ये बहुत अच्छा हमारा रहा, इन्जॉयमेंट रही, बहुत अच्छी तफरी का वक्त रहा, लेकिन अब मैं माजरत ख्वाह हूँ, अब आप मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकते। ये अम्फ का वर्ड आप देखेंगे बार बार, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बुढ़ापे की वजह से उनकी आवाज़ में आ गया है, इसलिए इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, इसको हम स्किप करते जाएंगे। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स विद देम इन द पोर्च, और फिर वो उनसे हाथ मिलाते और पोर्च में खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखते, लीविंग डैम टू क्रॉस द रोड टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स, और वो भागते हुए सड़क क्रॉस करके स्कूल की तरफ चले जाते हैं उनके मुतालिक राय देते हुए, मिस्टर चिप्स के मुतालिक राय देते हुए। क्या कहते हो मिस्टर चिप्स के बारे में? डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स, बहुत एक अच्छा लड़का है, बूढ़ा लड़का है चिप्स। गिव्स यू अ जॉली गुट्टी, आपको अच्छी चाय पिलाता है। एनी हाउ एंड यू डू नो वैन ही वॉन्ट्स यू टू पुश ऑफ, और वो आपको पता होना चाहिए कि वो कब चाहते हैं कि आप वहाँ से चले जाएँ, छोड़ दें उनका घर, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे और वो थक जाते थे। तो ये इंट्रोडक्शन विद द न्यू बॉयज़ के पॉइंट्स बन जाते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन भी आता है कि डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स इंट्रोडक्शन विद द न्यू बॉयज़ एंड हाउ ही सर्व्ड देम विद द टी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक प्रिपेयर हो जाएगा आपका। सर्व देम विद वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग क्रम्पेट्स टू इन विंटर मेड टी फॉर देम saw them off at 5 sharp with a smile, talked about them with Mrs. Wickets who was the linen room in charge in Brookfield School. अब जब वो लड़के चले जाते तो मिस्टर चिप्स को उनके बारे में बात करना अच्छा लगता मिसेज विकेट्स के साथ, एंड चिप्स ऑल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेज विकेट्स। मिस्टर चिप्स भी मिसेज विकेट्स से लड़कों के जाने के बाद उनके बारे में बातें करते। When she entered his room to clear away the remains of the party, जब वो उनके कमरे में आती कमरे की सफाई के लिए, जो बची खुची चीज़ें होती थी वो उठाने के लिए, a most interesting time Mrs. Wickets, तो वो उन्हें बताते कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरा Mrs. Wickets लड़कों के साथ। Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood, the Collingwood we had here in not two. फिर वो मिसेस विकेट्स को याद दिलाते कि यहाँ आज मुझे मिलने जो लड़का ब्रैंकसम आया था, उसने मुझे बताया है कि मेजर कॉलिंगवुड उसका उस बच्चे का के अंकल थे। अब मेजर कॉलिंगवुड के बारे में वो याद दिलवा रहे हैं मिसेस विकेट्स को कि आपको याद होगा वो हमारे पास यहाँ स्कूल में हुआ करता था 1902 में, नॉट टू में, मीन्स 1902 में। आई थिंक इट वॉज, मेरा ख्याल है ये वही लड़का था। डियर मी आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल, मुझे तो बहुत अच्छी तरह वो याद है कॉलिंगवुड। आई वंस थ्रैश्ड हिम, क्योंकि मैंने एक दफ़ा उसे, थ्रैश्ड मीन पनिश्ड, मैंने उसे सजा दी, पनिशमेंट दी थी, फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिमनेजियम रूफ, क्योंकि वो जिमनेजियम की छत पर चढ़ गया था, टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, उसके सुराख में से, छत के सुराख में से गेंद निकालने के लिए। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक, हो सकता था वो अपनी गर्दन तुड़वा बैठता, द यंग फूल बेवकूफ़ लड़का। डू यू रिमेंबर हिम, फिर वो मिसेस विकेट से पूछते हैं कि आपको भी वो कॉलिंगवुड याद है। मिसेस विकेट, ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, वो ज़रूर आपके वक्त में भी स्कूल में होगा। तो यहाँ मिसेस विकेट का तारुफ भी, इंट्रोडक्शन भी हमारे सामने आता है पहली दफ़ा कि हु वाज शी, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हु वाज मिसेस विकेट, तो आप इसका आंसर ये लिख सकती हैं कि मिसेस विकेट Before she saved money, had been in charge of the linen room at school. Mrs. Wickets अपनी कुछ रकम बचाने से पहले स्कूल में कपड़ों के कमरे की इंचार्ज रही हैं, तो वो भी स्कूल में होती थी, इसलिए बहुत से स्कूल के स्टूडेंट्स को वो भी जानती थी। तो मिस्टर चिप्स जब उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं बच्चों के बारे में, तो वो उन्हें बता रहे हैं उन स्टूडेंट्स का जो कि पास अवे होके जा चुके थे, और उनमें एक मेजर कॉलिंगवुड भी थे एक स्टूडेंट उनके, तो उस मेजर कॉलिंगवुड के बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि हु वाज मेजर कॉलिंगवुड एंड व्हाट वाज द स्पेशल मेमोरी ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट हिम। तो ये यंग ब्रैंकसम अंकल
नंबर टू पनिश्ड बाय चिप्स फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू जिमनेजियम रूफ, वन द मेडल DSO। अब वो फिर बता रहे हैं कि मिसेस विकेट्स, क्या आप उनको मेजर कॉलिंगवुड को जानती हैं? तो वो कहती हैं येस आई न्यू हिम सर, चीकी वाज टू मी जनरली, आमतौर पर मेरे साथ वो थोड़ा सा रूड हो जाता था, चीकी मीन रूड, बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन हमारे दरमियान कभी बुरे अल्फाज का तबादला नहीं हुआ था, जस्ट चीकी लाइक, सिर्फ वो थोड़ी सी रूडनेस दिखा देता था, ही नेवर मेंट नो हार्म, उसने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, दैट काइंड नेवर डज सर, ऐसे बच्चे ऐसा नहीं करते, वॉज नॉट इट हेम दैट गॉट द मेडल सर। फिर वो याद दिलवाती हैं क्या वही लड़का नहीं था जिसने मेडल जीता था, यस अ DSO, तो मिस्टर चिप्स को भी याद आ जाता है हाँ उसने DSO का मेडल जीता था। विल यू बी वॉन्टिंग एनी थिंग एल्स सर, फिर वो जाने लगती हैं तो फिर वो पूछती हैं कि मिस्टर चिप्स आपको मज़ीद कोई चीज़ चाहिए? नथिंग मोर टिल चैपल्स टाइम, तो वो कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए चर्च जाने तक के वक्त तक। मिस्टर चिप्स का ये स्टाइल था कि अपनी जो मिसेस विकेट के घर टाइम गुजार रहे थे आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने डे को टाइम टेबल के मुताबिक एडजस्ट कर रखा था, स्कूल ब्रुकफील्ड के टाइम टेबल के मुताबिक उसकी बेल्स के साथ वो अपना चाय खाना पीना सोने का इंतज़ाम करते थे या चर्च की बेल के साथ। तो इस तरह वो मिसेस विकेट को कह रहे हैं कि आप मुझे चर्च की बैल तक कुछ नहीं ला के देंगी उसके बाद। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, वो पिछली बात को फिर यहाँ जारी रखते हुए कहते हैं कि वो कॉलिंगवुड जो था उसके बारे में पता चला है कि वो मिस्र में मारा गया है। आई थिंक येस यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट देन, फिर वो अगेन वही पिछली बात को अपनी करते हैं कि चर्च के वक्त जब हो जाएगा, चैपल टाइम हो जाएगा, तो मेरा खाना उस वक्त ले आइएगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा जनाब, मिसेज विकेट कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अब नेक्स्ट हमें नज़र आती है मिस्टर चिप्स की लाइफ मिसेस विकेट के घर के, वो जब रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ गुजार रहे थे मिसेस विकेट्स के घर, तो कैसी लाइफ थी उनकी। तो लाइफ एट मिसेस विकेट्स हाउस, ये इस पे भी क्वेश्चन एक बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट एट मिसेस विकेट्स हाउस, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ ही स्पेंड एट मिसेज विकेट्स हाउस आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसको आप ज़रा बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ एट मिसेज विकेट्स, एक बहुत खुशगवार पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे वो मिसेज विकेट्स के घर। ही हैड नो वरीज, वहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन होता है काफ़ी, एनफ, उनकी पेंशन उनके लिए काफ़ी थी। एंड देयर वाज लिटल मनी सेव्ड बिसाइड, इसके अलावा भी उन्होंने थोड़ी सी रकम बचाई हुई थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, जो भी उन्हें चाहिए होता था वो इस पेंशन से अपना हासिल कर सकते थे। अब ये उनकी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट है, प्लेजेंट प्लेसिड नो वरीज, पेंशन वाज एडिक्वेट फॉर हिज नीड्स। Now we come towards the description of the room, जिस कमरे में वो रह रहे थे वो कैसा था। तो ये भी आता है कि describe the room of Mr. Chips at Mrs. Wicket's house, या how he furnished his room at Mrs. Wicket's house। तो इसको हम देखते हैं कि उन्होंने अपना रूम, अपना कमरा कैसे सजाया हुआ था। His room was furnished simply and with school masterly taste, सादा तरीके से उन्होंने अपना कमरा सजाया हुआ था और एक स्कूल के मास्टर के मिजाज के मुताबिक जैसे होता है वैसे ही था। क्या कुछ था वहाँ? अ फ्यू बुक शेल्व्स एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, अ मेंटल पीस क्राउडेड विद फिक्स्चर कार्ड्स एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, अ वॉर्न टर्की कारपेट, अ बिग इजी चेयर्स, पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ एक्रोपोलिस एंड द फोरम। ये चीज़ें थी उनके कमरे में कि कुछ बुक शेल्व्स अलमारियों में किताबें पड़ी हुई थी, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ थी और कार्ड्स थे जो बच्चों की तरफ से भी थे और कुछ दूसरे लोगों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से और लोगों की तरफ से उन्हें मिले हुए थे। एक पुराना सा तरकी कारपेट था, बड़ी कुर्सियां थी आरामदेह कुर्सियां और दीवार पर तस्वीरें लगी हुई थी। एक्रोपोलिस यूनान के किले को कहते हैं और फोरम रोम की अदालत को कहते हैं, यानी हिस्टोरिकल पिक्चर्स लगी हुई थी। Nearly everything had come out of his old house master room, his school house. क्योंकि रिटायरमेंट से पहले वो स्कूल के अंदर ही रहते थे,
स्कूल हाउस कहते हैं हॉस्टल के कमरे में, तो बोर्डिंग हाउस था क्योंकि, तो वहाँ वो रहते थे, तो इसलिए जब वो यहाँ शिफ्ट हुए तो सारी चीज़ें वो वहाँ से ले आए थे। अब हम डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम को अगर हम इस तरह पॉइंट वाइज देखते हैं तो बहुत अच्छा इसका आंसर बन जाता है कि फर्निश्ड सिंपली विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, देयर वर बुक शेल्स, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मेन्स फ्रॉम स्कूल, टर्की कारपेट, बिग इजी चेयर्स, पिक्चर्स ऑन द वॉल। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर चिप्स रूम। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स कलेक्शन ऑफ हिज बुक्स। उन्होंने कुछ अपने कमरे में शेल्स में किताबें रखी हुई थी जिनसे उनके इंटरेस्ट का पता चलता है कि वो किस किस्म की बुक्स पढ़ते थे। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट। देयर वॉज हाउएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल लेटर्स। देयर वॉज ऑल्सो अ बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवल्स। तो कुछ उनके पास तारीखी किताबें थी, तारीख की किताबें, कुछ अदबी किताबें थीं, चीप डिटेक्टिव नॉवेल्स थे, सस्ती किस्म के जासूसी नॉवल भी पड़े हुए थे उनकी निचली अलमारी में। चिप्स इंजॉयड दीज, वो इन सब से लुत्फानंदोज होते थे। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्जिल और ज़ेनोफोन एंड रीड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, बट ही वाज सून बैक अगेन टू डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। ये उनके राइटर हैं, पसंदीदा राइटर जिनको वो पढ़ा करते थे, कुछ फिलोसोफर, कुछ पोइट्स जिनकी बुक्स पढ़ी थी। ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसीडियस टीचिंग अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। इंडीड, अगरचे कि वो काफ़ी सख्त मेहनत की टीचिंग के बाद, एसीडियस होता है हार्ड वर्क, वो अच्छे इतने आला दर्जे के क्लासिकल स्कॉलर आलिम नहीं बन सके थे। तहम वो ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन ऑट टू नो अ फ्यू क्वोटेशंस देन एज लिविंग टंग्स दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाय लिविंग पीपल। तो वो क्योंकि लैटिन और ग्रीक पढ़ाते थे, लैटिन उनका सब्जेक्ट था स्कूल में, तो वो समझते थे कि ये काफ़ी अब पुरानी ज़ुबानें हो चुकी हैं जिनमें से अब नौजवान नए आने वाले बच्चे जो है सिर्फ कुछ अखबारें ज़रिए लेते हैं और ज़्यादा वो इनको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। ही लिंक दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स लाइकड दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स इन द टाइम्स। टाइम्स अखबार था वहाँ, उसमें से भी कुछ छोटे छोटे इदारे वो पढ़ते थे। एंड दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स, जिससे उन्हें कुछ अखबार मिल जाते थे दैट ही रिकोगनाइज, जिन्हें वो पहचान लेते थे कि ये वो लैटिन और ग्रीक के अखबार जारी हैं। तो ये चीज़ें भी वो ख़त्म होती जा रही थी वक्त के साथ, पुरानी ज़ुबानें, और इस तरह वो क्लासिकल एजुकेशन वो से उन्होंने कुछ नॉलेज हासिल किया था जो उनकी मदद करता था उनके टीचिंग में। ये उनकी कुछ इंटरेस्ट है उनकी बुक्स की। जो कलेक्शन ऑफ बुक्स थी उसमें उनकी इंटरेस्ट है जो बताई गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वाइट इंजॉयमेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस। मिसेस विकेट के घर, उनकी कुछ स्टे के दौरान वो कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेट कर रखा था, क्या उनकी इंजॉयमेंट्स थी, कैसे उनका पास टाइम होता था। So there he lived at Mrs. Wicket's with his quiet enjoyments of reading and talking and remembering. An old man, white-haired and only a little bald, still fairly active for his years, drinking tea, receiving callers, busying himself with corrections of the next editions of the Brookfieldian Directory, writing his occasional letters in thin, spidery but very legible script. मिसेस विकेट्स के घर वो रहते थे, वो बूढ़े हो चुके थे, सफ़ेद बाल हो चुके थे, थोड़े से गंजे भी हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो काफ़ी चुस्त थे। वहाँ उनका क्या एक्टिविटीज़ थी, चाय पीना, कॉलर्स को यानी मिलने वालों को रिसीव करना, अपने आप को मसरूफ़ रखना, ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी को चेक करने में, अपने मुख्तलिफ अवकात में कुछ खतूत लिखना अपनी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में, जो कि काफ़ी बारीक सी होती थी लेकिन अच्छी तरह से पढ़ी जाती थी, लेजिबल होता है कि जो समझ आ सके, पढ़ी जा सके। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी और नए एज़ वेल एज़ न्यू बॉयज़, नए आने वाले मास्टर्स और बॉयज़ को वो स्कूल में जो आते थे
उन्हें चाय पे बुलाना भी उनका मशगला था। देयर वर टू ऑफ देम दैट ऑटम टर्म। इस खजान की टर्म में भी दो नए टीचर्स आए थे। एज दे वर लीविंग आफ्टर देयर विजिट, जैसे ही वो मिस्टर चिप्स को मिलकर जा रहे थे, वन ऑफ देम कमेंटेड, उनमें से एक ने ये तबसरा किया, क्वाइट अ करेक्टर, एक अच्छा शख्स है। द ओल्ड बॉय, बूढ़ा लड़का, इज़ नॉट ठीक, ऐसा नहीं है। ऑल दैट फर्स अबाउट मिक्सिंग द टी, कितनी मेहनत से चाय बनाता है। टिपिकल बैचलर, खालिस कंवारा, इफ़ एवर देयर वॉज वन, अगर कभी ऐसा देखने में आया हो तो। विच वॉज ब्रैडली, विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट, जो कि बहुत हैरानी की हद तक सही नहीं था, बिल्कुल गलत था उन्हें कंवारा कहना। बिकॉज चिप्स वॉज नॉट ए बैचलर एट ऑल, चिप्स बिल्कुल कंवारे नहीं थे। ही हैड मैरिड, उनकी शादी हुई थी। इट वॉज सो लॉन्ग दैट नन ऑफ द स्टाफ ऑफ ब्रुकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी थी क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो ब्रुकफील्ड के अक्सर नए आने वाले स्टाफ मेंबर्स को वो पता नहीं था उनकी वाइफ के बारे में, तो वो समझते थे कि इनकी शादी नहीं हुई, तो वो कंवारा कहना गलत था। और वो टीचर्स अब उनकी वाइफ को याद नहीं रख सके थे, ऐसा काफ़ी गुजर चुका था। तो यहाँ तक हमने ये आज देखा है। इसके क्वाइट इन्जॉयमेंट्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर मिस्टर चिप्स क्वाइट इन्जॉयमेंट एट मिसेस विकेट्स हाउस। इसको इसी तरह आप आंसर करेंगी, रीडिंग, टॉकिंग एंड रिमेंबरिंग, हिज अदर इन्जॉयमेंट्स वर ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स, करेक्शन ऑफ द ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी, राइटिंग ओकेजनल लेटर्स, इन्वाइटिंग न्यू मास्टर्स एंड बॉयज़ टू टी। तो इस तरह ये हमारा थर्ड चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है। इसके आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको सिनोनिम्स के लिए चाहिए होते हैं, उनके इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स आपने देखने हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिनोनिम्स। तो यहाँ हम अपना फिनिश करते हैं लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।